जहां एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आजकल डॉक्टर अपना कामकाज छोड़कर गुंडाई पर उतर आए हैं। वहीं डॉक्टर मरीजों का इलाज कम उनके साथ गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा के सफाई क्षेत्र में मिनी पीजीआई बना हुआ है। इस पीजीआई में आए दिन डॉक्टर्स द्वारा दबंगई के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं डॉक्टर्स की दबंगई का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर डॉक्टर तीमारदार के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं और उनके साथ अभद्रता भी कर रहे हैं। इस घटना के बारे में तीमारदार ने बताया कि वह अपने ताऊ का इलाज करवाने के लिए सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी आए थे, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर्स से पूछा गया तो वह भड़क गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स के पूरे स्टाफ ने उनके तीनों भाई और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, मैं अपने पापा को भर्ती कराने आया था, तो वहाँ आके हमने भर्ती कराया, उनके नली लगी हुई थी। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर लोग वहाँ आए देखने के लिए। डॉक्टर आए, फिर मेरी सिस्टर आई वहाँ पे। सिस्टर वहाँ अंदर गई तो ये वहाँ डॉक्टर थे जो मरीज को देख रहे थे। ठीक, तो उन्होंने गलत बात की मेरी सिस्टर के साथ, तो हमने उनसे कहा ऐसे बात नहीं करो, तो बस वो गाली गलौज करने लगे। और तू कर लेगा क्या, कर लेगा क्या, करेगा तू, मुझे लगता हूँ कि करने लगे। क्या डॉक्टर क्या नशे में था? डॉक्टर शराब पी रहा था? जी जी सर, वो नशे में लग रहा था, दारू की बदबू भी लग रही थी उसके मुँह से आ रही। सर, मैं जैसे ही अपने ताऊ को हॉस्पिटल में देखने के लिए गई, तो वहाँ एक रूम पे मतलब एक आदमी खड़ा था, छोटी हाइट का, तो वो मुझे गंदी निगाहों से देख रहा था। तो वो डॉक्टर था, वो मुझे गंदी निगाहों से देख रहा था। तो मेरे भाई, तो वो मुझसे बोलता है कि चल यहाँ से निकल जा, कहाँ जा रही है, मतलब ऐसे करके बोला बदतमीजी से। तो मेरे भाई ने देख लिया, वो आया तो वो मेरे भाई से भी गाली बकने लगा। बकने के बाद ऐसी मतलब फिर बकने लगा, फिर मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने लगा। हाँ, तो उठा जो सारे पूरा स्टाफ एक हो गया, पूरे डॉक्टर एक हो गए। फिर उसके बाद ऐसी लड़ाई मतलब छिड़ती गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को कमरे से बाहर निकालने के बाद मुझे कमरे में अंदर बंद कर लिया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। फिर उसके बाद ऐसी भीड़ में मेरी सोने की मैं चैन पहनी थी, वो भी मेरी चली गई है।